मम्मी मेरी बात सुनो। क्या बात है बेटा? मेरी बात तो सुने। क्या बात है नेहा? क्या किया है आप लोगों ने रमशा के साथ? जानती है ना वो सबकी कितनी लाडली है। उसकी जिंदगी के सबसे अहम दिन में आप लोग ने ये किया है उसके साथ। नेहा तुम जानती हो ना अपने अब्बा को और हमजा को। तुम यकीन करो कि मेकअप के नाम पे एक रुपया नहीं दिया उन्होंने मुझे। मैंने बड़ी मुश्किल से एक मुनासिब मेकअप वाली का बंदोबस्त किया। मुझे क्या पता था कि इन वक्त पे वो धोखा दे देगी। ये हमें बहुत शर्मिंदा हो। अम्मी ये कोई मामूली बात नहीं है। आप जानती है ना अगर हमशा की आंख से एक आंसू भी निकला तो वो मेरी जिंदगी पे असर डाल सकता है। और हमजा को कोई ख्याल नहीं है उसके ऐसे साथ का। कितना अहम दिन है ये उसके। आप मुझे बता देती ना मैं अरेंज कर देती कोई मेकअप आर्टिस्ट। नेहा तुम यकीन करो मेरी तो ना सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई है। कितनी गलत बात है अम्मी। जब परेशान तो नहीं हो? अम्मी वो बेचारी कितनी बुझी हुई है। कितनी गलत बात है ये। तकरीब के बाद हम सोचें रमशा को अपने घर ले जाएं। यही तरीका है, रस्म भी यही है। फिर कल आप लोग खाने पे आइए और वापसी में अपने साथ ले आइएगा। हाँ भाईजान जैसे आपको मुनासिब लगे वही करें, हमें तो कोई इतराज नहीं है। ठीक है फिर हम भी नेहा को आज यहीं रोक लेंगे। उमर का जब दिल चाहेगा कि ले जाएगा। अब्बा लेकिन मैं साथ जाना चाहती हूँ, मैं नहीं रुकना चाहती यहाँ पे। मेरा मतलब है कि अगर रमशा साथ जा ही रही है तो हमें मौका मिल जाएगा, हम सब बैठ के जरा बातें कर लेंगे, इकट्ठे वक्त गुजर जाएगा। बेटा मुझे तो कोई इतराज नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा अपना ही घर है, जब जी चाहे आ जा। जी और हमजा को भी कोई इतराज नहीं है रमशा के जाने पे। तुमने बात की है हमजा से? अपने तौर पे ही गए चली जा रही। आप लोग बैठिए, मैं जरा खाने का बंदोबस्त चेक कर लूं। अच्छा सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।